दिस इज सीखा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ पर मैं क्रिएट की हूँ मेरा आज का ये मेकअप लुक। तो ये एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है प्रियादीप से। तो प्रियादीप दी को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत फेमस यूट्यूबर है, हम सभी उनको जानते हैं। बहुत ही अच्छा मेकअप वो करती हैं, मुझे उनका मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया था कि रेड कलर के साड़ी के साथ हम कैसा मेकअप लुक क्रिएट करें, तो मैंने भी सेम मेकअप लुक को रिक्रिएट किया है उनसे इंस्पायर्ड होकर के। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई हो सके। एंड आप चाहे तो मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहे तो मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपने इंस्टा आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या यहाँ कहीं पे स्क्रीन पे ही मेंशन कर दूंगी, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें। तो इस मेकअप लुक को मैं कैसे क्रिएट की हूँ, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का प्राइमर लेकर के अपने टी जोन पे फोकस करते हुए अप्लाई करूँगी। तो प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है। एंड यहाँ पे मैं ऑफ कैमरा ही मॉइस्चराइजर अपना अप्लाई कर चुकी थी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पॉन्ड्स बेबी क्रीम ले रही हूँ, एंड इसे डॉट डॉट करते हुए अपने पूरे फेस पे हमें अच्छे से अप्लाई करना है, और इसे मैं अपने हाथों से ही ब्लेंड करूँगी। तो मुझे इसका थोड़ा और कवरेज चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा और क्वांटिटी पिक करके एक ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी कंसीलर अप्लाई नहीं कर रही। तो हमें अपने फेस के साथ साथ नेक पर भी अप्लाई करना है। नेक्स्ट मैं आई शेडो पैलेट से कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करके एक ब्रश की मदद से अपने पूरे फेस को अच्छे से अप्लाई करते हुए सेट करूंगी। उसके बाद प्रिया दी ने जैसा आई मेकअप किया था, मैं सेम कलर पिक करके अपना आई मेकअप करूंगी। तो सबसे पहले उन्होंने लिया था येलो कलर, तो मैं यहाँ पे येलो कलर पिक करके अपने पूरे आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये वाला कलर लेकर के अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी। एंड सबको अच्छे से हमें ब्लेंड करते हुए अप्लाई करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्राउन कलर का शेड, एंड अपने आउट ऑफ वी से फोकस करते हुए इनर वी में लेके जाना है। एंड सबको अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि कोई भी हार्श लाइन दिखाई ना दे। तो आप देख सकते हैं कैसे हमें अप्लाई करना है। सबको अच्छे से ब्लेंड आउट करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी आईलाइनर। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ लैक्मे का आईलाइनर, एंड एक पतला सा आईलाइनर ड्रॉ करूंगी, क्योंकि उन्होंने भी एकदम पतला सा आईलाइनर ड्रॉ किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का काजल अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद एक ब्राउन कलर का
सेट पिक करके अपने वाटर लाइन पे काजल के नीचे हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक येलो कलर का सेट पिक करके अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ फॉल्स आईलैशेस। मस्करा के लिए मैं ले रही हूँ लैक्मे का ही मस्करा है। उसके बाद मैं अपना आईब्रो फिल करूँगी। तो उन्होंने डार्क आईब्रो अपना फिल किया हुआ है, तो मैं भी आई शेडो पैलेट से ब्राउन कलर का सेट पिक करके एक ब्रश की मदद से अच्छे से फिल कर रही हूँ। नेक्स्ट अपने आई कॉर्नर पे मैं यहाँ पर येलो कलर का सेट पिक करके अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया था रेड लिपस्टिक, तो यहाँ पे मैं सेम लिपस्टिक ले करके अप्लाई कर रही हूँ। तो ये किस ब्यूटी का लिपस्टिक है एंड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। नेक्स्ट मैं अपने ब्रॉ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ गोल्डन कलर के सेट से। एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक। तो कैसा लगा मेरा ये मेकअप लुक मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कितना जस्टिस किया है उनके मेकअप के साथ। एंड सेम उन्होंने इसी तरह का ज्वेलरी वगैरह कैरी किया है, तो मैंने बहुत हद तक अपना कोशिश किया है कि मैं उनके जैसा मेकअप कर सकूं। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।